नमस्ते सभी को। मेरा नाम भारती है, मैं धृति एनजीओ में एज ए लीड टेक्निकल ट्रेनर जॉब करती हूँ। और आज हमारे साथ हैं चंद्रमुखी, जो हमारी बीपी हैं, जो 2017 से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो आज हम इनके काम के बारे में और इनसे पूछेंगे कि कोरोना के टाइम में इन्होंने कैसे अपने काम को हैंडल किया और इतना अच्छा बिजनेस किया। तो आइए शुरू करते चंद्रमुखी जी के साथ। तो चंद्रमुखी जी आइए, आज आप हमारे साथ हैं, हमारे सारे ब्यूटीप्रेन्योर्स को आप ये जवाब देने वाले हैं। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं अपना ये सेशन? हाँ जी, हेलो दी। हेलो चंद्रमुखी। चंद्रमुखी मेरे कुछ सवाल है। मेरा पहला सवाल है, आप ब्यूटी सेक्टर में कितने सालों से काम कर रही है? तो दी मुझे 10 साल हो गए हैं। जॉब करती है, ये पार्लर है आपका? दी मैंने जॉब भी की है, जॉब टाइम में होम विजिट भी की है, पार्लर भी मेरा रहा है और पार्लर के टाइम पर भी मैंने होम विजिट की है। तो मतलब तीन चीजें आपने मुझे बता दी, जॉब भी करी है, पार्लर भी रहा है और होम विजिट भी करी है। तो जी तीनों चीज, मतलब जब जॉब करी तब पार्लर नहीं रहता होगा? जी जब मैं जॉब करती थी उस टाइम पे ऐसा होता था कि एक जॉब पे फिक्स सैलरी होती है आपकी, और कुछ आस पड़ोस में फैमिली रिलेटिव्स या कस्टमर बाय कस्टमर बनते थे। तो जो जिस जॉब टाइम तक मेरी टाइमिंग होती थी, मेरी छुट्टी की या मेरा ट्यूसडे ऑफ रहता था, उस टाइम पे मैं होम विजिट ले लेती थी, जिसपे एक्स्ट्रा मेरी इनकम का सोर्स हो जाता था कि मेरी इनकम आ रही है, जो मेरे ऊपर के खर्चे होते थे वो इजिली निकल जाते थे। और उसके बाद मैंने जब अपना सैलून खोला था, तो सैलून में क्या होता था कि जो मेरे पास टाइम होता था या मेरे कुछ कस्टमर होते थे, कुछ उनको प्रॉब्लम होती थी, मैं कस्टमर नहीं जाने देती थी, मैं उनकी होम विजिट ले लेती थी। तो आपको जब आप होम विजिट के लिए, जैसे क्या बता रहे हैं, आपने होम विजिट भी ली है, तो अब आप पार्लर कर रही हैं और होम विजिट दोनों एक साथ कर रही दी मैं पार्लर कर रही हैं? हूँ। कोरोना के टाइम पर मैंने अपना पार्लर ऑफ कर दिया था, तो अभी सिर्फ मैं होम विजिट कर रही हूँ। तो चंद्रमुखी, होम विजिट से आपका पूरा हिसाब निकल जाता है कि इतना आप अर्न कर पा रही हैं क्या होम विजिट से, जो आपका इनकम हो जाती हो? हाँ जी, बल्कि कोरोना की वजह से जो लेडीज पार्लर में नहीं जाती, क्योंकि वन बाय वन क्या होता है, जिसकी कस्टमर को नहीं पता कि कौन सा कस्टमर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जिसकी मैं हूँ, मेरे पास एक कस्टमर आया, मुझे नहीं पता कि उसको कोल्ड कब हुआ, खांसी कब हुई, जो भी कोरोना है वो कब हुआ था, या उसके सिम्टम कैसे हुए, या नॉर्मल उसको वायरल फीवर कैसे हुआ था। बट अगर मेरे पास एक कस्टमर है, वो आ रहा है, और अगर मुझे पता है, मेरे उससे कॉन्टेक्ट हो रहा है कि हाँ मैं आपके यहाँ सर्विस करूंगी, तो मुझे पता है कि मैं उससे पूछती हूँ पोलाइटली कि आपको लास्ट कब फीवर और कोल्ड हुआ था, जिससे मुझे इस चीज से पता चल जाता है, और वो इजिली मुझसे भी पता कर लेता है कि हाँ ये सेफ है, कि घर में थी, इसको कुछ नहीं हुआ। तो इजिली कोरोना के टाइम पर, एक्चुअल मैं ये नहीं कह रही कि पूरे टाइम होम विजिट बेस्ट रही है, बट कोरोना के टाइम पर मेरी पार्लर से ज्यादा होम विजिट में इनकम रही है। आपने अब पार्लर क्लोज कर दिया है, हाँ जी, तो पार्लर क्लोज करने का रीजन क्या रहा? ये कोरोना या और कोई रीजन था? रीजन ये था कि कस्टमर्स इतना सैलून में आते नहीं थे। कोई भी जितना मर्जी आपका अच्छे से अच्छा ट्यूनिंग में कस्टमर हो, जान सबको प्यारी होती है, वो यही होता है कि आपके पास कस्टमर दूसरा आया होगा, या इन्फेक्शन चल रहा है, किसी भी तरह से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सबके लिए यही था कि सैलून अवॉइड करना, और ये इतनी बेसिक नीड्स नहीं है, तो मेरा रेंट नहीं निकल पाता था। मैं इस चीज में अच्छा, उसको मैनेज नहीं कर पा रही थी कि कोरोना टाइम में मेरा रेंट नहीं निकल पा रहा था। तो आपने फिर पार्लर क्लोज कर दिया, अब तो घर जाने में आपको नहीं लगता कि कोरोना का खतरा है? दी देखो, खतरा तो हर चीज का है, हम मार्केट से कुछ ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट हमारी एक सेफ्टी है, हमारा एक प्लस पॉइंट है कि एक्चुअल मैं अपने कस्टमर से जब बात करती हूँ, तो मैं उनसे बात करने में पूछ लेती हूँ कि आपको लास्ट फीवर कोल्ड कब हुआ था, या मेरा कस्टमर मुझसे पूछ रहता है कि आपको लास्ट फीवर कोल्ड कब, आप ठीक हो? फॉर एग्जाम्पल, मैं हम ये पूछ लेते हैं कि आप ठीक हो, सेफ हो, तो कस्टमर कहता हाँ मैं सेफ हूँ, या वो मुझसे पूछते हैं कि उनको पता चलता है कि हाँ ये सेफ है, तो इजिली सर्विस करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो सेफ होते हैं, तो ये होता है कि आप कस्टमर के यहाँ जाके कोरोना का खतरा आपको कम लगता है, अगर पार्लर में कस्टमर आता है उससे ज्यादा। हाँ जी, तो घर पे कस्टमर आपको जो मिल रहे हैं, घर के कस्टमर, वो किस प्रकार से आप ढूंढ पा रही है? कहाँ से आपको इतना लिंक मिला? कोई ऐप से जुड़ी है, कोई और थर्ड पर्सन है जो आपको कस्टमर प्रोवाइड करता है? कहाँ से आपको इतने कस्टमर मिल जाते हैं?
जो आपको इतना हिसाब नहीं आपका निकल जाता है। मैं किसी ऐप से नहीं जुड़ी, ना ही कोई थर्ड पर्सन है जो मुझे बताता है। मेरे सैलून के ही कस्टमर्स हैं जिनकी विजिट मैं उनसे लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं रेंट नहीं निकाल पा रही। तो मैं अपने कस्टमर से यही कहती हूँ कि कोरोना की वजह से मैंने अपना सैलून ऑफ किया, क्योंकि बेसिक चीजें तो मैं उन्हें बता नहीं सकती ना कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं कर नहीं पा रही, तो आप मेरे से घर पे बुला के काम करा लो। तो चंद्रमुखी मैं क्या, अगर मैं एक बात पूछूं, अगर टोटल 10 कस्टमर पार्लर में आते हैं, उसमें जी से कितने कस्टमर ऐसे होते हैं जो घर वाले सर्विसेज के लिए तैयार हो जाएंगे? सारे तैयार हो जाते हैं घर वाली सर्विस के लिए? अगर इस टाइम अगर देखा जाए कोरोना के टाइम पे, तो 10 में से 10 यही चाहते हैं कि हमारी घर सेफली हो जाए, दस के सर्विस लिए। हमारे घर पे हो। तो क्या इस चीज से मैं ये हिसाब लगा सकती हूँ कि आने वाले समय पे अब आप होम सर्विस ही करेंगे, आप पार्लर ओपन नहीं करेंगे? नहीं दी, क्योंकि एक्चुअली बेसिक नीड्स में है कोरोना के कुछ टाइम तक, अब जिसकी बहुत ज्यादा खतरा था जिस टाइम कोरोना आया था कि कोरोना कोरोना, अब सब कुछ चीजें नॉर्मल होने लगी हैं। और बेसिक नीड हमारी होम विजिट की ये होती है, मेकअप मेन जो चीज होती है वो मेकअप हो गई, या हमारा हेयर का काम हो गया। तो हम क्या, मैं उस चीज में करूंगी कि मैंने अभी सिर्फ कोरोना की वजह से अपना पार्लर ऑफ किया है कि मेरा रेंट नहीं निकल पा रहा था, मैं उसको बेसिक अपना रेगुलर लेके आऊंगी, और वही मैं अपना सैलून फिर रीओपन करूंगी। जब मैं अपना सैलून ओपन करूंगी तब भी मैं होम विजिट लूंगी, क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसी होती हैं जिनके बेबी बहुत छोटे होते हैं, या कुछ एजेड होती हैं वो नहीं कर पाती है, घर पे अकेली हैं वो नहीं निकल पा रही हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पे अगर वो कस्टमर मेरा टूट जाएगा तो वो मेरे पास नहीं आएगा कि आज मैं उसकी एक फेशियल करने गई हूँ, वैक्सिंग करने गई हूँ, तो कल उसको मेकअप होगा तो वो मेरे सैलून आएगा ही आएगा, या उसको स्मूथनिंग करवानी है, कुछ भी कराना, तो मेरे सैलून आएगा ही आएगा। इजीली सब मुझसे ये बोलते हैं कि स्मूथनिंग पार्लर के अलावा घर पे नहीं हो सकती, बट मैंने स्मूथनिंग घर पे करी है। अब मेरे पास पार्लर नहीं, तो उसका क्या मतलब है कि जो मेरा एक जो स्मूथनिंग का जो मेरा कॉस्ट आता है उसको मैं रहने दूं? मैं नहीं, अपने कस्टमर को इजीली समझाती हूँ कि कोई बात नहीं, आपके घर पे भी होगी, बस फर्क ये होगा कि उस टाइम पार्लर नहीं होगा, वो आपका घर होगा। तो उन्हें ये भी बताती हूँ जिनके बच्चे छोटे हैं कि आप अपने बच्चों को इजीली दे सकते हो, पार्लर में आप नहीं दे सकते, कोरोना वैसे ही है। तो अगर मैं बात करूं चंद्रमुखी, अगर मेरा अपना पार्लर हो, मुझे किराया नहीं देना हो, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें पार्लर नहीं क्लोज करना चाहिए, साथ में होम सर्विस बढ़ा लेनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि इनकम पैसा आया किसको बुरा लगता है, और सबसे बड़ी बात अगर ये आपका पैशन है टैलेंट है तो आप इसको लोगों तक पहुंचाए ना। कोई भी टैलेंट सिर्फ एक मेरे तक नहीं रहना चाहिए, मेरा टैलेंट तभी है जब मेरे कस्टमर खुश हो। तो और सबसे बड़ी बात है चंद्रमुखी, मर्जी सेफ्टी की, सैलून में कोई इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कोरोना का है। अब एक लेडीज आपके पास करा के गई है थ्रेडिंग, उसको कोल्ड था, आपको नहीं पता, आप कस्टमर को चेयर पे बिठा के मना नहीं कर सकते, आप उससे क्या कहेंगे कि मास्क कैरी कर लीजिए, खुद का मास्क कर लेंगे, वो आपको लगेगा सेफ है, बट दूसरा जो कस्टमर आ रहा है वो ठीक नहीं, वो ठीक है, तो अगर उसने उसके सामने छींक दिया तो वो तो यही सोचेगा कि ये अनसेफ है। बेशक हाँ बिल्कुल। वो आके वो एक बार सर्विस करा के निकल जाएगा, बट वो दोबारा नहीं आएगा। तो मुझे चंद्रमुखी एक बात बताओ, मैं एक पार्लर है मेरा, मेरे पार्लर को 1 साल हुआ है और अब मैं भी किराया नहीं दे पा रही हूँ, मैंने पार्लर क्लोज कर दिया था लगभग अगस्त में, तो अब मेरे पास क्लाइंट भी नहीं है होम सर्विसेज के, तो कहाँ से मैं कैसे करूँ उनको अरेंजमेंट, कैसे अरेंज करूँ, आपने दी कैसे अचीव किया ये? दी जैसे कि जब मैंने त्रिति से ट्रेनिंग ली थी ना 7 डेज की, तो उसमें हम सबसे पहले ये बताया था कि कस्टमर कंसल्टिंग, कंसल्टिंग में हमारा था कि आप कस्टमर से उसका कांटेक्ट नंबर लें। अगर मेरे पास कांटेक्ट नंबर है तो मैं अपने कस्टमर को अप टू डेट कर सकती हूँ कि अभी मैंने अपना पार्लर क्लोज कर दिया है कोरोना की वजह से, मैं होम विजिट लूंगी, अगर आपको होम सर्विस करानी हो तो आप मेरे घर भी आ सकते हैं, और कंफर्टेबल हो तो अपने घर भी करवा सकते हैं। उसके लिए मेरे पास कस्टमर का फोन नंबर होना जरूरी है, हाँ जी, पर वो मैं तो कलेक्ट नहीं करती हूँ किसी का नंबर, मतलब कि मुझे इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा तैयारी करनी है अपने बिजनेस को बढ़ा के चलने की, तो मुझे अपने कस्टमर के साथ फोन नंबर लेना पड़ेगा और उनसे थोड़ा लिंक बढ़ाना पड़ेगा। हाँ जी, बेशक आप उन्हें अपने पार्लर के मैसेजेस करिए, अगर कस्टमर आपके साथ बहुत क्लोज है, तो जैसे कि अगर मेरे को ये पता रहता है कि मेरे कस्टमर का बर्थडे कब है,
या फिर उनकी एनिवर्सरी कब है, तो मैं कुछ नहीं करती, कुछ फेस्टिवल पे उनको मैसेज कर देती हूँ और उनकी एनिवर्सरी बर्थडे पे उनको विश कर देती हूँ। एज उन मेरे कस्टमर्स के मेरे पास नंबर है, तो आज का स्टेटस शो हो जाते हैं। मैं जब उसी स्टेटस देखते टाइम उन्हें विश कर देती हूँ। मेरे एक मैसेज कस्टमर के कॉन्टेक्ट में रहता है कि कल जब मैं पैकेज भेजती हूँ तो वो उसको भी देखते हैं कि ये जो हमारी पार्लर वाली है वो हमें विश करती है, तो वो उसको भी देखेंगे कल को उनको। और मैं उनसे ये भी कहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी एडवाइस चाहिए तो जरूरी नहीं कि आप मुझे कॉल मैसेज तभी करिए कि जब आपको मुझसे काम करवाना हो। अगर आपको कुछ भी हेयर की एडवाइस चाहिए, स्किन की एडवाइस चाहिए, ब्यूटी से रिलेटेड आपको कुछ एडवाइस चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एडवाइस भी दूंगी। कोई फर्क होता है घर के कस्टमर को हैंडल करने में और पार्लर में कस्टमर को हैंडल करने में? कुछ फर्क नहीं होता, बस वो एरिया चेंज हो जाता है। पार्लर में सब कुछ होता है, एक कस्टमर आता है आप उसको सर्विस प्रोवाइड करती हैं, यहाँ आपको सब कुछ कैरी करके आपको ले जाना पड़ता है। कस्टमर्स को प्रॉब्लम नहीं होती, कस्टमर भी समझता है कि वो पार्लर नहीं घर। ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि पार्लर में मैं कंफर्टेबल ज्यादा होती हूँ पार्लर का ब्यूटिशियन, और कस्टमर इतना कंफर्टेबल नहीं होता, और घर पे कस्टमर ज्यादा कंफर्टेबल होता है मैं कंफर्टेबल नहीं होती, ऐसा है क्या? मैं ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ क्योंकि अगर मेरे सैलून में कुछ भी प्रॉब्लम होगी, अगर कुछ भी मानो फॉर एग्जांपल अब मेरे को कोई चीज नहीं मिल रही, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें कोई टूल नहीं मिलता, इजिली हो जाता, कई बार हो रिमाइंड में हो जाता है। जाता कि लड़कियों ने इधर उधर रख दिया कि हमें मिल नहीं रहा, वहां पे जितना फॉल्ट आता वो हमारे ऊपर आता है। कि आपके सैलून में आपको पता होना चाहिए हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते आगे कस्टमर को, पर अगर मैं अपने किसी कस्टमर के घर जा रही हूँ और वो मुझसे अच्छी ट्यूनिंग में मैं कुछ रह जाती हूँ तो वो कहता है कि अरे नहीं रहने देना, तू भूल गई होगी, कोई बात नहीं तू मुझसे ले ले। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वैक्स नाइफ भूल जाती हूँ कई बार, तो तो बटर नाइफ यूज करने लग जाते हैं। मेरे कस्टमर खुद कह देते अरे ये बहुत छोटी चीज थी, डालते टाइम तू ही भूल गई होगी। मैंने कहा हाँ यार मैं भूल गई या भाभी या कुछ भी, तो वो कहते कि अरे ये नाइफ पे यूज कर लो घर ही तो है। बट अगर मैं सैलून में बटर नाइफ लूं या नाइफ नॉर्मल ले लूं तो क्या वो हाँ अच्छा नहीं कराएंगे, लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। कॉस्टली किस चीज की दे रहे हैं, पूरा पे करने की दे रहे हैं ना। तो आपको कोई सेफ्टी का कोई खतरा घर पे जाने में? सेफ्टी किस चीज में? मैं एक अनजान किसी कस्टमर के यहाँ जा रही हूँ, तो एक लड़की हूँ मैं, एक लेडी हूँ, फीमेल हूँ, पता नहीं वहां किस तरीके का माहौल हो, कैसा एटमोसफेयर हो, क्या मैं सेफ होंगी वहां पर? ये चीज तो आज तक भी कभी मुझे फील नहीं हुई। हाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील तब होता है जब मैं किसी कस्टमर के, जैसे कि अब मेरे कोई कस्टमर उसने आगे कस्टमर बताया, मुझे इसलिए अनकंफर्टेबल होता है कि मैं उसके घर में एंटर ही फर्स्ट टाइम करती हूँ। मुझे कुछ पता नहीं वहाँ पे वॉश बेसिन कहाँ है, यहाँ मैं पानी फेंकूंगी या फिर मुझे कुछ फेंकना है तो मैं कहाँ जाऊंगी, वो भी तब तक जब तक अगर मुझे ये नहीं बताते कि हाँ वॉशरूम है या ये सब चीजें हैं। पहले तो मुझे कोई भी ये नहीं बोलता कि किसी अनोन के घर जा रहे, कोई ना कोई आपस में लिंक होता है या मेरे ही सैलून में आया होता है। दूसरी बात मैं अपने कस्टमर से एक कंसल्टिंग में ये बोल देती हूँ कि आप ना फ्री टाइम में करवा रहा है जिस टाइम में आपके फैमिली में कोई जेंट्स ना हो, क्योंकि जेंट्स प्रॉब्लम करते हैं ये दे दो वो दे दो, तो उस टाइम पे ज्यादा करवाना कि कंफर्टेबल हो जाए। और थोड़ा सा ना मुझे कंफर्टेबल स्पेस चाहिए, यहाँ कोई आता जाता ना, ताकि आप भी कंफर्टेबल तरीके से काम कर ले और मैं भी। घर के लिए कोई इशू नहीं आता घर से कि आप चंद्र की लड़की हो, एक अनमैरिड हो, अभी यंग हो आप काफी, तो आपको अकेले भेजने में आपके पेरेंट्स कभी कुछ इशू नहीं करते? आया बहुत आया, इनफैक्ट अभी तक मेरे पापा मुझसे ये कहते हैं कि कहाँ जा रही है, किस एरिया में जा रही है। मैं बहुत अच्छा दूर की नहीं लेती बट अभी भी करते, तो मैं एग्जैक्ट उन्हें प्रॉपर जगह बता देती हूँ कि इनके घर पे हूँ या आप मुझे छोड़ो, हाँ अगर आप मुझे छोड़ के नहीं आ रहे तो मैं उन्हें ये बता देती हूँ कि मैं इस जगह पे हूँ आप आ जाना। मेरे पेरेंट्स को इनफैक्ट होम विजिट करने में ये चीज होती है क्या, एक तो आप कस्टमर्स हैं तो वो आपके एरिया के ही होंगे, आप अपने एरिया में अराउंड, फिर मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ये बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, तो उन्हें जरूर पता होता है कि मैं इस जगह पर हूँ, तो थोड़ा सा नहीं होता या पॉसिबल होता है तो मैं क्योंकि जो लड़की सीखी हुई है या मेरी सिस्टर है काम ज्यादा तो मैं उसको ले जाती हूँ। तो क्या सर्विस के रेट ज्यादा रहते हैं होम सर्विसेज में या रेट कम रहते हैं?
रेट वही रहते हैं जो सैलून के होते हैं। सैलून वाले रेट से रहते, तो आपको नुकसान नहीं होता, जाने आने में खर्चा होता है आपका, आपका टाइम भी जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा रेट बढ़ा के करना चाहिए होम सर्विसेज को? मेरा सवाल है, एक सलाह नहीं है, मेरा सवाल है। जी मैं आपको बताती हूँ, जब मेरा कस्टमर खुद चल के आएगा तो मेरा ये पार्लर का रेंट भी जाता है उस टाइम पे, मेरे बिजली का बिल भी जाता है और मेरा टाइम भी जाता है, और जो मेरी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होती है वो भी जाती है। वो तो दोनों में जाती है। ठीक है, अब यही मैं होम विजिट जाती हूँ तो मैं सिर्फ वहां जाती हूँ, वो भी मैं ये बोल देती हूँ अगर थोड़ा सा दूर है, अगर पास है तो पैदल चले जाते हैं, या मुझे कोई छोड़ा है, मेरे पापा हो गए, भाई हो गए, कोई भी, और अगर दूर है तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप कन्विंस चार्ज दे दूं। कन्विंस चार्ज वो आपको पे करते हैं एक्स्ट्रा में, तो कितना कन्विंस चार्ज आपने फिक्स कर रखा है? 300, 200, 100? नहीं है, अच्छा फिर जैसे जितना अमाउंट जिस जगह पे, मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि अगर मैं आपके इस जगह से अपने घर से आपके घर तक आऊंगी तो वहां रिक्शे का किराया कितना है। अब अच्छा मुझे यहाँ रिक्शे पे जाना है, वो मैं अपना एटीट्यूड दिखा के ओला करके जाऊं तो उसमें कस्टमर क्यों पे करेगा। सही बात। और ज्यादातर मैं अपने कस्टमर से यही कह देती हूँ जो दूर के हो गए, जैसे कि यहाँ हो गया, मैं गीता कॉलोनी शास्त्री नगर रहती हूँ और मुझे विश्वास नगर जाना, कृष्णा नगर से आगे, तो मैं अपने कस्टमर से ये कह देती हूँ कि आप बुक करा दो कन्वेंस, उबर ऑटो चल रहे हैं, या आप मुझे बता दो कि कितना अमाउंट लगता है एक रिक्शे का, तो उस टाइम पे मैं उतने में ही रिक्शा करती हूँ, अपने से नहीं कन्वेंस होता, क्योंकि कस्टमर पे करता है, आप खुद से नहीं चला सकते। कस्टमर को भी बता आप 30 रुपए में आ सकते हैं, और आप 100 रुपए का खर्चा करके जाओगे तो कस्टमर पे नहीं करेगा। तो चंदुखी आप डेली कितने कस्टमर अटेंड कर लेती है इस कोरोना के टाइम में? देखिए कुछ फिक्स नहीं है, कस्टमर फिक्स नहीं होते, महीने का कितने कस्टमर फिक्स कर लेती है? महीने के तो होंगे, चलो डेली का तो फिक्स नहीं होते, पर महीने पे हम क्या कह सकते हैं कि महीने पे मैं 50 कस्टमर कर ही ले पा रही हूँ अब कोरोना के टाइम पे? कोरोना के टाइम पे एग्जैक्ट मैं आपको कस्टमर की एक काउंटिंग में डिटेल नहीं बता सकती, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा आज एक कस्टमर है जो मुझसे आज के दिन में सिर्फ 100 रुपीज का काम करवा रहा है, और वही मेरा कल के दिन का कस्टमर है जो मुझसे 6,000 का काम करा रहा है। ठीक है, तो मेरे 6,100 रुपए हुए 2 दिन के, अब वही कस्टमर मेरा तीसरे दिन है जो मुझसे 200 का काम करा रहा है। कई बार मेरे कस्टमर होते हैं कि जिसकी मैंने 3,000 का काम किया प्लस उसमें मैंने 800 का काम और कर लिया, हाँ एक दिन में 2 कस्टमर अटेंड कर लिए, एक दिन में 1 कस्टमर अटेंड करा और किसी दिन हुआ कि हमने अर्न किया। आर नहीं किया सैलून में भी तो ऐसा ही होता है। तो कोई मुझे कुछ ऐसी चीज बता सकते हो कोरोना के टाइम पे ऐसी कोई दो चीजें जो आप फॉलो कर रहे हो इस टाइम, कि हाँ मैं इन दो बातों का जरूर ध्यान रख रही हूँ इस कोरोना के टाइम पे, अपने लिए भी और अपने ग्राहक के लिए? एक तो हाइजीन मेंटेन, वो फर्स्ट है, वो सैलून टाइम में भी होती थी क्योंकि हमें सिखाया ही, ट्रेनिंग इस तरीके से दी गई थी। दूसरा यह कंसल्टिंग, मेरे कुछ कस्टमर्स कॉल करके मुझसे ये बोलते हैं कि अभी कोरोना के टाइम में सेफ नहीं है, जो अभी लास्ट टाइम गया हमारा, आज का नहीं मैं कहूंगी, करवा चौथ के सीजन से पहले हमारे पास इनकम नहीं है, अभी हम कुछ करवा नहीं सकते, तो आप कुछ ऐसा टिप दे दो जिससे घर में हमारी थोड़ी सी स्किन ठीक हो जाए। तो उस टाइम पे मैंने उनको थोड़ी सी जो हमारी नेचुरल फेशियल के बाद की आफ्टर केयर है वो मैंने उनको कह दिया कि आप रेगुलर कर लो, कुछ नहीं हल्का सा स्क्रब कर लो। कस्टमर की कंसल्टिंग थी मेरे साथ, वो कस्टमर मेरे पास फिक्स था कि उसको फेशियल करवाना वो मुझसे ही करवाएगा। मेन जो मैंने अपने कस्टमर के साथ रखी है वो कंसल्टिंग रखी है, अगर मैं उसकी कंसल्टिंग में हूँ और प्लस मैं वो मैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हाइजीन भी तब आती है जब आपका कस्टमर आपको बुला रहा है, आप कितने पोलाइटली उससे बात कर रहे हैं। कोरोना के टाइम पे जरूरी नहीं है कि मेरे पार्लर में ये फिक्स अमाउंट था तो यही अमाउंट है, वो चीज मैंने नहीं रखी। अगर मेरा कस्टमर को नीड है कि नहीं उसके पास कम पैसे हैं तो मैंने उसका उसमें भी काम किया ताकि वो कस्टमर कहीं जाए ना। बिल्कुल
और कोरोना में मैंने ऐसा भी किया है कि मैंने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ाई है, सर्विस सर्विसेज की कॉस्ट। की कॉस्ट। मीन्स मैंने उनको इसलिए बढ़ाई थी कि जब मुझे बैग्स कॉस्टली मिली थी अच्छा तो मैंने उनको वो कॉस्ट रखा था कि भी इस टाइम पे ये कॉस्ट है, मेरे पास वैक्स का डिब्बा ही कॉस्टली आ रहा, तो मैं आपकी वैक्स करूँ कैसे। वही बिल्कुल चीज थी कि जो मेरी कंसल्टिंग थी कस्टमर के साथ वो मेरे काम आए, तो कस्टमर ने इजिली महा कर ली। मैंने उनसे कहा कि कोरोना के बाद होगा। अब जो मेरे कुछ कस्टमर्स हैं जो दूर दूर रहते हैं, तो मतलब कि जैसे कस्टमर होता मैं उस हिसाब से उनसे पे ले लेती हूँ, और जो कोरोना के टाइम पे कॉस्टिंग थी वो मेरी अब तक चल रही है, जिसके मैंने वो किया हुआ था, कार्ड था मेरे पास, मैंने कार्ड दिया हुआ था 500 कार्ड। पे 30% ऑफ पे मेंबरशिप कार्ड, जो मुझे आदृति से ही एडवाइस मिली थी, तो मैंने उनसे कह दिया था कि इस टाइम कार्ड अवेलेबल नहीं है क्योंकि उतनी कॉस्टिंग नहीं निकल पा रही। तो मैंने उनसे कहा कि वैक्स की कॉस्टिंग बढ़ गया, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोरोना के टाइम पर है। आज भी इस टाइम पे भी मार्केट में कोरोना है तो मुझे वही कॉस्टिंग मिलती है, और जो कुछ कस्टमर है जो पे नहीं कर पाते उनसे मैं नॉर्मल पैसे ले लेती हूँ, क्योंकि सैलून में फिक्स रेट रखना पड़ता है, होम विजिट में आप फिक्स रेट नहीं कर सकते। फॉर हाँ एग्जाम्पल मैंने आपको 350 की वैक्स दी है, फुल वैक्स, यहाँ मैं 250 की देती थी। आप आगे कस्टमर को क्या बताएंगे कि 350 की वैक्स करती है, आपको पसंद आई तो आप उस तरीके से आगे बताएंगे, वो मेरा कस्टमर 350 का बन गया। फॉर एग्जाम्पल जब वो मेरा कस्टमर बन गया तो मेरा उतने अमाउंट का ही बनेगा, या वो मुझसे इस तरीके से कहता कि नहीं वैक्सिंग की तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आप कुछ कम करें, तो मैं डायरेक्ट कम नहीं करती, मैं कहती हूँ चलो आपका ना पैकेज बना देती हूँ। जब मैं उनका पैकेज बनाती हूँ तो उसमें 250 कॉस्ट रख लेती हूँ, आपके भाभी का मैंने पैकेज बना दिया उसमें 250 कॉस्ट रख दी, पर मैं आपको 350 दे रही हूँ, तो वो आपसे बोल नहीं सकती। वो आपसे जरूर बोलेंगी कि यार मेरा तो 250 में कर गई, तो आप मुझसे बोलोगे कि मेरा तो 350 में कर गई, तो मेरे पास उस टाइम एक वर्ड होगा कि मैं दी, उन्होंने ना पैकेज लिया था, उस पैकेज में उनको कम की पड़ी थी। आप भी वो पैकेज ले लें, पैकेज में एक साथ एक चीज फालतू होगी, फेशियल होगा, कुछ और एक चीज ऐड होगी, तो उसकी कॉस्टिंग आएगी। मतलब मेरा लॉस नहीं है, मुझे रेंट नहीं देना, मुझे बिजली का बिल नहीं देना, दूर है तो मैं एक तरफ की कन्विंस चार्ज ले लेती हूँ। और प्लस शायद मुझे ये भी लगता है कि कस्टमर एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि एक घर से दूसरे घर हम जा रहे हैं तो वो एक दूसरे को बता भी नहीं सकते हैं कि मैंने कितने की ली। और ये भी हाँ पॉसिबल है कि कौन सी वैक्स में करके गई हूँ, आपको ये भी उनको नहीं मालूम। पार्लर में तो वो देख लेते हैं, सामने होते हैं, अवेलेबल होते हैं कि क्या काम नहीं, चल रहा है। प्रोडक्ट्स तो मैं सामने रखती हूँ, क्योंकि जो वैक्स मैं लेके जाती हूँ मेरा वैक्सीटर खाली जाता है। अच्छा अब मेरा वैक्सीटर बिल्कुल खाली जाता है, तो जो बॉक्स जाता है उसी में मैं वैक्स उतनी ही डालती हूँ जितनी कस्टमर पे यूज करनी है। अब मैं नॉर्मल पार्लर में मिल्की वैक्स यूज करती थी, वही वैक्स मैंने यूज करी। करवा चौथ के टाइम पर मुझे ये था कि मिल्की वैक्स का स्ट्रोक मेरे पास गलत आ गया था, तो अच्छा मैंने नॉर्मल वैक्स यूज करी। फिर मेरे कस्टमर्स ने मुझसे ये बोला कि आप नॉर्मल वैक्स यूज क्यों कर रहे हो, तो मैंने उनको इसलिए बोला क्योंकि कोई कस्टमर आपके पार्लर में आएगा तो वो करवाएगा नहीं, बट आप उसके घर पे चले गए, कंसल्टिंग आपकी पोलाइट लोगी तो वो जरूर करा लेगा कि आप ये ले तो हाँ आइए, मुझे करनी तो करवा करनी। ले, सही कह रहे हो। पार्लर तो में उससे तो अगर कस्टमर सोच के भी आएगा कि मेरे को ये सर्विस लेनी है तो वो एक बार को मना कर सकता है, पर घर के लिए अगर उसने एक बार सोच लिया तो फिर वो ले लेता है। क्योंकि उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता, वो कहेगा अब मैं वैक्सीन के चक्कर में बाहर क्या जाऊंगा, चलो ये कर दूंगा। तो उस टाइम ये मेरे उनको जनरल प्रॉब्लम बताई कि उसकी वैक्स का आया था, आपके बाल ही नहीं निकलते, पैदा क्या था, तो आप ये करा लो, मैं क्या मिलती, फिर मेरा मिल्की का स्ट्रोक आया मैं बोल रही। अच्छा कुछ और ऐसा चंद्रमुखी जो आप बताना चाहती है हमारी तरफ से, तो हमारे सवाल पूरे हो चुके हैं। कुछ और ऐसी टिप जो आप देना चाहती है हमारे ब्यूटी प्रिन्योर्स को? मेरी यही है कि अगर आप ये सोचेंगे कि हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है, हम उसके घर क्यों जा रहे हैं, तो सिंपल है कि आपके बहुत पैसे बच भी रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने सैलून में जब दो टाइम करवा चौथ निकाला, 2 साल से मेरा सैलून खुला था, 3 साल होने वाले थे क्योंकि मैंने कुछ महीने पहले ही बंद किया,
इतनी जल्दी बंद नहीं किया, कोरोना के फुल टाइम में मैंने रेंट पे किया, उन्होंने रेंट बढ़ाया था इसलिए मैंने शॉप खाली की है। अच्छा तो कोरोना के टाइम पे भी मैंने अपना सैलून खोला था, उस टाइम पे ये था कि अब जैसे कि मैं ये सोचूं कि मेरे को यार कॉस्टिंग का मिल रही है, मुझे घर जाना पड़ेगा, मैं अपनी कॉस्टिंग बढ़ा दूं, तो वो चीज गलत है, कस्टमर नहीं मानता। अगर आप ये सोचो कि आप उसका काम 500 में कर रहे हो, तो ये सोचो कि उसका काम 100 रुपए में करने के लिए कोई बैठा है, जिसका खुद का सैलून नहीं है वो खुश है, यार मुझे 100 रुपए तो आ रहे हैं, फिर बिजली उसकी लग रही है, आपका क्या कन्वेंस लग रहा है? कन्वेंस अगर वो पास का तो आप पैदल जा सकते हैं, आपका कुछ छोड़ के आ सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट ये कि आप कस्टमर के साथ डीलिंग अच्छी रखें, जैसे आप अपने सैलून में रखते हैं वैसे ही रखें। और इसका मतलब ये भी नहीं होम विजिट का कि आप अपना सैलून ऑफ करते हैं, मैं खुद अपना सैलून खोलूंगी, इनफैक्ट मेरी बात भी चल रही है, हो सकता है मैं जनवरी तक खोल भी लूं, क्योंकि मुझे मेकअप के टाइम प्रॉब्लम आती है, मेकअप ज्यादा नहीं आते, चेहरा थैंक जो यू होते हैं वो चंदू हम जी, पालक। थैंक यू चंदू जी, बहुत अच्छा रहा आपके साथ ये सेशन। हमारी आपकी दी हुई सारी टिप्स हम अपने ब्यूटीप्रेन्योर्स को बताएंगे और वो भी फॉलो करेंगे और अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ठीक सो है। मच।